अध्यक्ष पर ओवैसी का हमला देखने को मिला है। कुरान की गलत व्याख्या का आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, कहा लव जिहाद के नाम पर तनाव की कोशिश है। ओवैसी की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए आज, मुस्लिमों के खिलाफ सरकार की योजनाएं, पीएम का मुस्लिम प्रेम साफ दिख रहा है, कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, इसके अलावा ये तमाम बातें, तमाम मुद्दे जहां असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल खड़े किए, कुरान की गलत व्याख्या का भी आरोप लगा दिया ओवैसी ने, लव जिहाद के नाम पर तनाव की कोशिश की गई ओवैसी ने यह भी कहा। भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजोरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम होगा और हिंदू कोड फॉर मेजोरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से, हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है, फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ? फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायोलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है। ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा, लॉ कमीशन पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया वो उनका इस तरह की जजमेंट्स हैं, अब बताइए आप। तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते जिसमें अल्पसंख्यक समाज मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोग जिन्हें कल्चर है, तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29। और भारत की खूबसूरती उसका प्लूरलिज्म है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लूरलिज्म। तीसरी बात यह है